मैं प्रॉपर्टी के साइड में लिखा है, प्रॉपर्टी भी साथ में लिखा है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम जो हमने फर्स्ट लेक्चर में लिया था, ये साइड में इसलिए लगा के रखा है मैंने क्योंकि आपको फार्मूले सभी को हमें आने चाहिए, और फार्मूले जब आएंगे तब एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हमने आई थिंक मॉर्निंग में लास्ट में मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक किसी ने सॉल्व किया हो बताएगा कोई? एनीवन? लास्ट में मैंने कुछ तो लिख के दिया था। AT3 इक्वल टू कुछ तो था, लिखा है किसी ने? चलो नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखे दिया था, मैं लास्ट रिपीट करता हूँ उसको। 83 इक्वल टू 10^ लॉग टू दी बेस एक्स 83 का ऐसा था, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल था। तो मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दिया था 10, x इज इक्वल टू 10 लिख दिया था। ये कैसे लिखा था अभी भी आप सोच के बताएंगे, लास्ट में मैं बताऊंगा उसको कैसे लिया था, अगर किसी को आता है तो। ये प्रॉपर्टी साथ में लिखी है, प्रॉपर्टी साथ में अगर पहले लेक्चर में किसी ने लिखी नहीं होगी तो अभी आप नोट डाउन राइट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारे लेने हैं हमें और एग्जाम्पल कम हुए हमारे। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ लॉग टू द बेस 27 9 ब्रैकेट में है इनटू लॉग टू द बेस 1664 और डिनोमीटर में है लॉग टू द बेस 4√2, लॉग टू द बेस 4√2। अभी हमें जो भी प्रॉपर्टीज जो भी लॉज हमने देखे इसके यहाँ पे हमें यूज करना है। देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लॉग टू द बेस 27 है, 27 के हम क्या ले सकते हैं, 3 का क्यूब ले सकते हैं, 3 का क्यूब होता है 27, और 9 को ले सकते हैं 3 का स्क्वेयर, ओके। ये इनटू इसके साथ क्या था, लॉग टू द बेस 16, लॉग टू द बेस 16 मतलब मैं इसका उसको 4 का स्क्वेयर 16 और 4 का क्यूब, इसको लिखेंगे हम 64, 4 का क्यूब होता है 64। डिनोमीटर में वैसे लॉग टू द बेस 4 है, लॉग टू द बेस 4 है मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग टू द बेस 4 है तो 4 के क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वेयर, ठीक है। और √2 है, √2 मतलब लिखेंगे 2^(1/2), ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो कौन कौन से फार्मूला बेस कर रहा हो, यहाँ पे मैं फार्मूलाइज कर रहा हूँ लॉग टू द बेस am, देखिए यहाँ पे लिखता होगा, ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे लॉग टू द बेस a^n और b^m इक्वल टू, हम लिख सकते हो m/n लॉग टू द बेस ab, ठीक है, ऐसे लिखते थे। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, ध्यान दो सभी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आगे, क्या होगा यहाँ पे, थोड़ा ऊपर लेते इसको, लॉग टू द मतलब ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 लॉग टू द बेस 3 3 इंटू ये 3/2 हो जाएगा इंटू लॉग टू द बेस 4 4/ लॉग टू द बेस ये 2 नीचे आ जाएगा मतलब ये क्या होगा 1/2/2 मतलब ये होगा 1/4, ठीक है, लॉग टू द बेस 2 2 इक्वल टू। अब देखो लॉग टू द बेस 3 3 मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पे मैं इसको सर्कल करता हूँ, देखो लॉग टू द बेस 3 3 है, लॉग टू द बेस 4 4 है, लॉग टू द बेस 2 2 है, मतलब सभी की वैल्यू होगी 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे रहेगा 2/3 न्यूमरेटर में इंटू 3/2/ डिनोमीटर में रहेगा 1/4, यहाँ पे क्या होगा 3, ये 3 कैंसिल 2 2 कैंसिल, यहाँ पे रहेगा 1/1/4 मतलब 4 क्या आएगा ऊपर, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा उसका 4। देखो ऑप्शन में हमारे पास 4 है कि नहीं, ठीक है, ऑप्शन उसका रहेगा सी, ऑप्शन सी, ठीक है। कौन से फार्मूला यूज कर रहे हैं हम, कहाँ पे क्या यूज करना है, ये फार्मूला मैंने साइड में लिखा है बॉक्स में, देखो रेड उस पे बॉक्स क्या है, लॉग टू द बेस a^n इंटू b^m इक्वल टू m/n लॉग टू द बेस ab, ठीक है। चलो कोई दिक्कत एग्जाम्पल में? हाँ सर यस, सर थर्ड वाला पॉइंट समझ नहीं आया, वो 1/4 लॉग टू द बेस 2/2 हाँ लिया है वो, हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पे करके बताता हूँ, ठीक है। थर्ड वाला स्टेप। लास्ट, हाँ लास्ट में डिनोमीटर में जो लिखा है, डिनोमीटर में ऐसे लिखा है, देखो लॉग टू द बेस 2 2^(1/2) था और यहाँ पे 4 था तो 4 को हमने 2 का स्क्वेयर कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1/2/2 आता है और लॉग टू द बेस 2 2 होगा, ठीक है।
वन बाय टू मतलब ये ऊपर के जो टू है वो नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं ब्लैक में सोचता हूँ, ये जो ऊपर के टू है तो उसके साथ आएंगे ये टू, मतलब ये होगा 1/4 लॉग टू द बेस 2 2, और लॉग टू द बेस 2 2 का होगा वैल्यू 1, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ रहेगा 1/4, ये सर्कल किया मैंने 1/4, ठीक है, और 1/4 है, 1/1/4 मतलब ये 4 ऊपर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 4, जैसे कि हम लिखते हैं ए अपॉन बी है, 1/a/b लिखता हूँ इसको, उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या होगा, बी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी ध्यान में रखना है, ये हमने क्लास 6 7 8 में देखा होगा 1/4, ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा ग्रुप पे, ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख, सेकंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखना है साथ में, ठीक है, एग्जाम्पल देखो क्या है, इफ लॉग टू द बेस एक्स एक्स, एग्जाम्पल फिर से लिखता हूँ मैं, लॉग टू द बेस एक्स एक्स इंटू लॉग टू द बेस एक्स टू एक्स इंटू लॉग टू द बेस 2xy इक्वल टू लॉग टू द बेस एक्स एक्स का स्क्वायर है, एक्स एक्स का स्क्वायर, ठीक है, तो पहले प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी, अभी मैंने रिमाइंड किया है कि लॉग टू द बेस एक्स एक्स दिख रहा है आपको, दोनों सेम है, तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, अगर लॉग टू द बेस ए है, ठीक है, ये थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी, पहले इसको इसकी वैल्यू 1 होती है, चलो देखते हैं, यहाँ पे लॉग टू द बेस एक्स एक्स मतलब दोनों नंबर बेस में जो नंबर है वही साथ में सेम है, तो उसकी वैल्यू होती है 1, 1 इंटू ये लॉग टू द बेस एक्स टू एक्स है इंटू लॉग टू द बेस 2xy, ठीक है, 2xy इक्वल टू ये लॉग टू द बेस एक्स एक्स का स्क्वायर है, मतलब हम यहाँ पे लॉग टू द बेस बेस नहीं लिखेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, तो यम रेस टू द पावर, अगर हम यन लिखते हैं, यम रेस टू द पावर यन, तो ये क्या होगा, यन लॉग यम लिखते हैं इसको, वैसे यहाँ पे क्या है, लॉग टू द बेस एक्स है सपोज, तो एक्स को बेस को छोड़ दो, एक्स का स्क्वायर है, तो ये एन की वैल्यू 2 हो गई, मतलब 2 लॉग टू दी बेस एक्स एक्स, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 लॉग टू दी बेस एक्स एक्स, ठीक है, तो 2 लॉग मतलब 2 नीचे आ गया, तो ये सिंपल फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, तो यहाँ पे और क्या होगा, ये 1 इंटू हो गया, मतलब लॉग टू दी बेस एक्स 2x इंटू लॉग टू दी बेस 2xy हो गया, और ये लॉग टू दी बेस एक्स एक्स मतलब 1, लॉग टू दी बेस एक्स एक्स इक्वल होगा 1, तो साथ में उसके 2 है तो इधर इक्वल टू आएगा सिर्फ 2, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा इक्वल टू सिर्फ 2 आएगा, चलो अभी लॉग टू द बेस एक्स 2x दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम चेंज ऑफ बेस लॉग का, इसको मैंने बोला था यहाँ पे लॉग टू द बेस अगर ए बी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग बी अपॉन लॉग ए, चेंज ऑफ बेस रूल मैंने बताया था कि हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब दोनों का बेस सेम करेंगे तो यहाँ पे सपोज कुछ नहीं है तो यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, ई ले सकते हैं, मतलब कॉमन लॉग नेचुरल लॉग ले सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे लॉग टू द बेस एक्स टू एक्स है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, लॉग टू एक्स अपॉन लॉग एक्स में इसको ले सकता हूँ, वैसे ही यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लॉग वाई अपॉन लॉग टू एक्स, ठीक है, साथ में मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, ये चेंज ऑफ बेस लॉग हम यूज करेंगे, ठीक है, ए लॉग टू द बेस ए बी को मैं लॉग बी अपॉन लॉग ए ले सकता हूँ, वैसे ही लॉग टू द बेस एक्स 2x को मैं log 2x अपॉन x लिख सकता हूँ इक्वल टू ये 2 है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारे पास ये log 2x log 2x कैंसिल और log y अपॉन log x होगा, log y अपॉन log x होगा इक्वल टू होगा ये 2, अगेन हम उसको रिवर्स इस फॉर्म में लाएंगे उसको, मतलब अगेन चेंज ऑफ बेस के फॉर्म में लाएंगे, यहाँ पे क्या होगा log टू द बेस एक्स वाई इज इक्वल टू 2 होगा, लॉग टू द बेस एक्स वाई इक्वल टू 2 होगा, हमें क्या निकालना था, हमें वैल्यू निकालनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये वैल्यू निकालनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, सॉरी सर यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई, यहाँ पे मैंने बेस में जो लिखा है, ठीक है, बेस में जो सेकंड टर्म है देखो यहाँ पे सेकंड टर्म में जो होगा, यहाँ पे बेस में एक्स लिखा है मैंने, एक्स नहीं वो 3 है, ठीक है, यहाँ पे बेस में जो एक्स लिखा था मैंने वो एक्स गलती से एक्स लिख दिया, वहाँ पे 3 है, ये करेक्शन करना है, यहाँ पे जो 2x दिख रहा है आपको यहाँ पे ये बेस में 3 है, ठीक है, ये बेस में 3 लिखना है, थोड़ा एग्जांपल में करेक्शन करना, यहाँ पे बेस 3, ठीक है, तो बेस में 3 होगा मतलब यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा और यहाँ पे भी 3 होगा, अगर यहाँ पे 3 होगा तो नीचे भी लॉग 3 होगा, मतलब ये यहाँ पे रहेगा हमारे पास लॉग टू द बेस 3,
यहाँ पे लॉग थ्री रहेगा, मतलब यहाँ पे भी थ्री होगा। अगेन हम यहाँ पे एक बार फिर से बताता हूँ, ये गलती से यहाँ पे बेस में एक्स रह गया, यहाँ पे लॉग टू दी बेस सेकंड जो टर्म है, यहाँ पे सेकंड टर्म में लॉग टू दी बेस थ्री इंटू टू एक्स है और लॉग टू दी बेस टू एक्स वाई था, तो ये थ्री करेक्शन करना है थोड़ा, तो मैंने चेंज ऑफ बेस लॉग का यूज किया है और लॉग वाई अपॉन लॉग थ्री आ गया, लॉग वाई अपॉन लॉग थ्री। तो मैं इसको अगेन चेंज ऑफ बेस अगर यूज करता हूँ तो यहाँ पे होगा ये लॉग वाई लॉग टू दी बेस थ्री वाई होगा। अभी डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम यूज करना है मुझे, डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम यूज करना है यहाँ पे। क्या डेफिनेशन लिखा था मैंने, एम इक्वल टू ए रेस टू द पावर एक्स, एम इक्वल टू ए रेस टू द पावर एक्स, दैट इज एक्स इज इक्वल टू हम लिखते थे लॉग टू द बेस ए एम। तो ऐसे फॉर्म में सपोज मैं लॉग टू द बेस ए एम इस साइड लिखता हूँ और इक्वल टू एक्स इस साइड लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लाना है, मतलब इसके फॉर्म में लाना है। यहाँ पे कौन बताएगा अभी वाई इक्वल क्या लिखेंगे, एनीवन? हाँ आपको आवाज आ रही है मेरी? 3 स्क्वायर क्या लिखेंगे? 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, मतलब वाई इक्वल टू थ्री का स्क्वायर लिखेंगे, मतलब ये क्या होगा वाई इक्वल टू थ्री का स्क्वायर 9, ठीक है। थ्री का स्क्वायर होगा 9, मतलब वाई की वैल्यू होगी 9। देखो ऑप्शन में है क्या हमारे पास, वाई की वैल्यू 9 है, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी, ध्यान में रखना थोड़ा उसको। सिंपलीफाई कैसे किया मैंने, कौन से लॉ का यूज किया है, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, लॉग एम रेस्ट पावर एन का क्या वैल्यू होता है, लॉग एक्स एक्स मतलब सेम प्रॉपर्टी है, लॉग एक्स एक्स तो इसकी वैल्यू क्या 1 होती है, ये सभी का हमने यूज किया है यहाँ पे। तो ये लॉग अगर आपको हमेशा उसको लर्न करना है और एग्जाम्पल सॉल्व करके देखना है, जब भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब तो उस लॉ का हम यूज करेंगे और आपको फिर वो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो द नंबर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने हमें लॉग टू द बेस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू दिया है टू लॉग टू द बेस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। लॉग टू द बेस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू टू लॉग टू द बेस टू एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ पे हमें इसके सोल्यूशन कितने आएंगे, तो हमें जो जो पता है, देखो दोनों का बेस सेम दिख रहा है, तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लॉग टू द बेस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू, ये जो टू था अभी हमने प्रॉपर्टी लिखी लॉग यम रेस टू द पावर यन अगर है तो मैं इसको तो यन लॉग यम, यन लॉग यम मतलब मेरे पास ऐसा दिया है अभी यन लॉग यम, मतलब ये यन लॉग यन मैंने अंडरलाइन किया, देखो ठीक है, इसको रेड में करता हूँ अंडरलाइन, यन लॉग यम, यम की वैल्यू एक्स माइनस थ्री लॉग तो है, और यहाँ पे करेंगे हम उसको लॉग टू द बेस टू एक्स माइनस थ्री का स्क्वेयर, मतलब उल्टा किया मैंने, इधर से इधर ले लिया उसको अभी, ठीक है। अभी यम रेस टू द पावर यन मतलब ये हो गया, अभी दोनों साइड का लॉग टू लॉग टू दिखा है, मैंने बोला था अभी लास्ट लेटर में लिखा था लॉग ए इक्वल टू अगर लॉग बी है, लॉग ए इक्वल टू लॉग बी है तो दोनों साइड का हम लॉग कैंसिल है, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, यहाँ पे 10 है 10 है, नहीं लिखा तो सेम ही होगा, तो ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा एक्स माइनस थ्री सॉरी एक्स माइनस वन, यहाँ पे क्या होगा एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का स्क्वेयर, मतलब दोनों साइड का जो लॉग है वो कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा, मतलब लॉग टू और ये लॉग टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वेयर, तो मैं इसको सिंपल करता हूँ, एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री का होल, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वेयर मतलब सिंपल ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, सबको पता है ए स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर है, क्या लिखेंगे उसको एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, और सिंपल हम उसको अभी इस साइड ले लेंगे, नहीं तो ये इस साइड लेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स प्लस नाइन और प्लस वन इक्वल टू जीरो, मतलब ये एक्स माइनस वन जो था मैंने इस साइड ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स अगर प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस होगा, और माइनस वन है तो इस साइड आएगा तो प्लस होगा, मतलब ये होगा एक्स स्क्वेयर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो। ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हमें निकालने, अभी सबने पढ़ा है क्लास 8 9 में है, एक्स स्क्वेयर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन इसके फैक्टर, तो हम क्या करेंगे 5 इंटू 2 टेन के फैक्टर निकालेंगे, 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने के बाद में नंबर 10 आना चाहिए और दो दोनों दो नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शन की तो माइनस सेवन आना चाहिए, मतलब क्या आएगा माइनस 2 इंटू माइनस 5 माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस होगा और माइनस 5 माइनस 2 इसके एडिशन माइनस सेवन होगी, मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे रफ में करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 10 इक्वल टू जीरो,
दैट इज एक्स कॉमन निकालो, एक्स माइनस फाइव, माइनस टू कॉमन निकालो, एक्स माइनस फाइव, मल्टीप्लाई करके देखना है ऊपर के नंबर आते हैं कि नहीं, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू फाइव एक्स, टू इंटू एक्स, माइनस टू इंटू माइनस फाइव, यहाँ पे फैक्टर आ गया एक्स माइनस फाइव और एक्स माइनस टू, दैट इज हम इससे यहाँ पे एक्स माइनस फाइव एंड एक्स माइनस टू ये हो गए उसके फैक्टर। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू फाइव एंड एक्स इज इक्वल टू टू ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, दो वैल्यू आ गई। लेकिन हमें बोला है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन में दिखा है आपको टू आएंगे, वन आएंगे, फाइव आएंगे, ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी एक्स फाइव सिक्स, ठीक है, तो एक, हाँ माइक बंद करो, ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, एक्स इज इक्वल टू सॉरी ऑप्शन एक, यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू फाइव और एक्स इक्वल टू टू, दो ऑप्शन आ गए हमारे पास, ठीक है, मतलब हमारे पास जो एग्जाम्पल दिया था एक्स की दो वैल्यू होगी, इसमें कितने सोल्यूशन थे, यहाँ पे सोल्यूशन कितने होने चाहिए, तो देखो यहाँ पे लॉग के साथ एक्स माइनस वन दिया है, ठीक है, थोड़ा उसको मैं हाईलाइट करता हूँ, लॉग के साथ इस साइड में लिख रहा हूँ, लॉग के साथ एक्स माइनस वन दिया है और लॉग के साथ एक्स माइनस थ्री दिया है। अभी जब भी हम लॉगरिथम की डिफरेंशियल देखते हैं, जब भी देखते हैं तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ध्यान में रखो, मतलब ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं अगर एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करूंगा उसको, और ग्रेटर देन जीरो करो, सॉरी इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन जीरो करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो पर ग्रेटर देन वन होता है, एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन, ठीक है, थोड़ा उसको इरेज करते हैं, देखो ये दो कंडीशन ध्यान में रखो, एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो और एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब मैं लिखूंगा एक्स माइनस वन उससे जाएगा तो प्लस होगा, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, और एक्स माइनस थ्री को मैं सॉल्व करूंगा, ये ग्रेटर देन जीरो लिखा था मैंने, एक्स माइनस थ्री अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन थ्री ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन थ्री और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो हमें यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन डेफिनेशन में क्या था हमारे पास, डेफिनेशन में क्या समझ में आना चाहिए आपको, कि एक्स की वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन वन होगी, ठीक है, ग्रेटर देन वन होगी यहाँ पे, मतलब वन होगी तो यहाँ पे ये पहला वाला ऑप्शन जो है वो काम नहीं करेगा, सॉरी ये पहला वाला ऑप्शन एक्स माइनस वाला, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, मतलब हमारे पास जो दो वैल्यू आई थी एक्स की वैल्यू, ये ऑप्शन हमारा काम करेगा, एक्स इज ग्रेटर देन थ्री हमें ये चूज करना है। अब ये चूज किया तो आप ऑप्शन तो हमारे पास दो आए थे, एक्स की वैल्यू फाइव आई थी और एक्स की वैल्यू टू आई थी, अभी एक्स की वैल्यू टू हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू बोला है हमें कि वो ग्रेटर देन थ्री है, ग्रेटर देन थ्री वाला नंबर हमारे पास है फाइव, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन जो उसके उसके रहेंगे फाइव, तो ऑप्शन में हमारा यहाँ पे गलत हुआ है, एक नंबर यहाँ पे फाइव उसको करना है बी नंबर को, एक नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता है। एक बार समझ लो कि मैंने एक्स इज ग्रेटर देन थ्री क्यों लिया सर, एक्स माइनस वन, ठीक है, एक्स माइनस वन और ये दो नंबर थे हमारे पास लॉग के साथ, देखो यहाँ पे एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री, डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम में जब हम लिखते हैं एम इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स देन एक्स इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ए एम, तो वहां पे जो एक्स होता है, ठीक है, वो जो एक्स होता है वो हमेशा एक्स इज ग्रेटर देन वन होता है, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन वन होता है, ध्यान में रखो, तो एक्स इज ग्रेटर देन वन जब भी होगा मतलब क्या होगा, तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो ये पहला कंडीशन वाला था हमें नहीं चाहिए, एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब दूसरा कंडीशन होगा है कि एक्स इज ग्रेटर देन थ्री मतलब वो वन से बड़ा है, एक से बड़ा है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए, मगर एक्स मतलब तीन से बड़े कौन से नंबर आए यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई, तो ये फाइव आ गया यहाँ पे एक्स इक्वल टू फाइव, तो ये फाइव लेना है हमें, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन जो होगी इसके वो होगी फाइव, ठीक है, आप सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान देके सुनना है कि डेफिनेशन का भी यूज कराओ मैं कहाँ पे, फैक्टर कैसे निकाले, और एक्स की दो वैल्यू आने के बाद में हमने एक्स इक्वल टू फाइव को ही क्यों चूज किया है, ठीक है, और उसके नेक्स्ट में हम थोड़ा उसको रिवाइज करेंगे, और भी कोई तो डाउट है आपका तो आप पूछ सकते हैं बाद में, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा खास लेना है हमें, चलो ये देखो अभी यहाँ क्वेश्चन नंबर फाइव दिख रहा है सभी को, कौन रीड करके बोलेगा, एनीवन, फिर रीड करना है उसको, जो लिखा है वो रीड करना है, एनीवन प्लीज, टाइम कम है हमारे पास, लॉक यस लॉक बोलो बोलो, बेस
आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है चलो मैं बोलता हूँ। देखो यहाँ पे, इफ लॉग टू द बेस 2x प्लस लॉग टू द बेस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। हाँ माइक ऑफ करो आपका प्लीज, माइक ऑफ करो, ठीक है चलो। लॉग टू द बेस 2x प्लस लॉग टू द बेस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, ठीक है। हमें देन द लीस्ट वैल्यू, थोड़ा करेक्शन यहाँ पे, लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस y क्या होगी, ठीक है। x प्लस वाई यहाँ पे क्या होगी ये हमें यहाँ पे निकालना है। चलो लॉग टू द बेस 2x प्लस लॉग टू द बेस 2y, सिंपल यहाँ पे फार्मूला हमने देखा था, लॉग m इंटू n इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है, लॉग m प्लस लॉग n। तो यहाँ पे लॉग m प्लस लॉग n के फॉर्म में दिया, हमें उसको रिवर्स इस फॉर्म में लिखना है। मतलब ये क्या होगा, लॉग टू द बेस 2 इंटू एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है। अभी डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम का यूज करेंगे हम, अगेन डेफिनेशन में फिर बोल रहा हूँ आपको, m इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x था, तो x इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ए एम था, तो हमें इसको सिंपली एक्सपोनेंट के फॉर्म में लाना है, m इक्वल टू ए रेज टू द पावर x। m क्या है, तो m है हमारे पास एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, क्या है 2, 2 और x क्या है 6, 2 रेज टू द पावर 6। मतलब एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6, मतलब कितना होगा, एनीवन फास्ट, 2 रेज टू द पावर 6, जल्दी बोलना है, 2 रेज टू द पावर 64, 6 64, कितना, 60, 64. 64 हुआ, वेरी गुड। एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 64। अभी मुझे निकलना है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगी, ठीक है। मतलब ये 64 नंबर ऐसे ऐसे बनाना है हमें कि 1 इंटू 4 64 किया तो 64 आएगा, ठीक है, 2 इंटू 32 किया तो 64 आएगा, उसके बाद में 16 इंटू 4 किया तो 64 आएगा, उसके बाद में और 8 इंटू 8 किया तो 64 आएगा, ठीक है। उसके बाद में मतलब उल्टा कर सकते हैं हम, 32 इंटू 2 किया तो वो भी 64 आएगा, और 64 इंटू 1 किया तो वो भी 64 आएगा। तो हमें निकालना, मतलब ये मल्टीप्लाई क्यों करा हमें, 1 इंटू 64 को क्यों किया मैंने, 2 इंटू मतलब 64 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, हमें एक्स प्लस वाई निकालना है, ठीक है, एक्स प्लस वाई मत निकालना है, तो एक्स प्लस वाई निकलना है तो उसका प्रोडक्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू 64, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 64 कब आएगा, तो 1 प्लस सॉरी 1 प्लस 1 इंटू 64 किया तो हमारे पास 64 आएगा, 2 इंटू 32 किया तो 64 आएगा, 4 इंटू 64 किया तो 64 आएगा, 8 इंटू 8 किया तो यहाँ पे भी 64 आएगा, ठीक है, 32 इंटू 2 किया तो 64 आएगा, 64 इंटू 1 किया तो भी 64 आएगा। तो हमें निकालना लीस्ट नंबर कौन सा था, तो लीस्ट नंबर मतलब क्या है, दो नंबर के एडिशन करने के बाद, सपोज 1 इंटू 64 किया तो 1 प्लस 64 आएगा 65, 2 इंटू 32 किया मैं 64 आ गया, मतलब 2 प्लस 32 किया तो यहाँ पे आएगा 34 आएगा, और यहाँ पे आएगा 20, इसका आएगा 16 और इसका आएगा अगेन 34 और इसका भी आएगा 65। तो लीस्ट नंबर मतलब कम से कम एडिशन होगा उसका, तो वो कौन सा आएगा, तो यहाँ पे जो दिख रहा है 8 इंटू 8, ये ट्रिक से 8 इंटू 8 तो ये 64 होगा, लेकिन दोनों के एडिशन की एक्स इक्वल टू 8 वाई इक्वल टू भी 8 किया मैंने, तो दोनों के एडिशन जो आ गई वो आ गई 16, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो होगी होगी 16, ऑप्शन है हमारा सी। अगर ये समझ में नहीं आया, ये शॉर्टकट ट्रिक था हमारे, हमने जो कहा है जी एम और ए एम, ए एम और जी एम आपने देखा होगा, ए एम एंड जी एम इज, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। ए एम क्या होता है, ए एम होता है अरिथमेटिक मीन और जी एम होता है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन मतलब क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन टू, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल मतलब कोई भी दो क्वांटिटीज है, ए मतलब एक क्वांटिटी, बी मतलब दूसरी क्वांटिटी, मतलब कोई नंबर है, दो नंबर का सम डिवाइड बाय टू होता है अरिथमेटिक मीन, उसको शॉर्टकट में लिखा है ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है जी एम, जी एम मतलब ज्योमेट्रिक मीन। ये दूसरा फार्मूला करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये हमने ट्रिक लगाई थी ऐसी, जैसे 64 को दो पार्ट में डिवाइड किया, जी एम मतलब क्या, ज्योमेट्रिक मीन, उसका फार्मूला क्या होता है, रूट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, मतलब दो क्वांटिटी लिए हमने, दो नंबर लिए ए एंड बी, उसको अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दो नंबर कौन से है, दो नंबर है एक्स एंड वाई, ठीक है, पहला नंबर एक दूसरा नंबर वाई, इस एग्जाम्पल के बारे में हम देख रहे हैं, अपॉन टू है इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए इंटू बी, तो ए इंटू बी मतलब एक्स इंटू वाई, हमारे पास ऑलरेडी 64 आया है, ऑलरेडी क्या है 64 आया, तो ये रूट में 64 है, ठीक है, मतलब एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, एनीवन,
एट, यहाँ पे एट होगा ठीक है, मतलब एक्स प्लस वाई और ये टू डिवाइड है, इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा एक के साथ, मतलब ये होगा 16। मतलब हम फार्मूला लगा के भी कर रहे हैं, ये ए एम इज ग्रेटर, फार्मूला कौन सा देखो फिर से ऊपर लिखा हुआ है, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ठीक है, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। ए एम मतलब अरिथमेटिक मीन और जी एम मतलब ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन मतलब कोई भी दो नंबर लिए मैंने, यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिख दिया मैंने, ए एंड बी दो नंबर है, डिवाइड बाय टू है, उसको ये होता है अरिथमेटिक मीन, और जी एम मतलब ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वेयर रूट ऑफ ए एंड बी का प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारे पास ए एंड बी मतलब एक्स एंड वाई था, यहाँ पे एक्स प्लस वाई हमें निकालना था, एक्स प्लस वाई बाय डिवाइड बाय टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 64, 64 का स्क्वेयर रूट होता है 8, और ये टू डिवाइड टाइगर जाके बाद 60, दोनों को देखो यहाँ पे दोनों देखेंगे आप तो 64 ही, 16 भी हमने निकाला यार, ये भी 16 आ गया और ये भी 16 आ गया, मतलब जो लीस्ट वैल्यू थी वो आ गई 16 यहाँ पे हमारे पास। ओके चलो उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल करते थे, ये हमने मॉर्निंग में सॉल्व किया था एग्जाम्पल, ठीक है, अभी बोला मैंने इसकी वैल्यू 10 आ गई, यहाँ पे मॉर्निंग में एग्जाम्पल सॉल्व किया था, यहाँ पे ये लिख के दिया था मैंने, अभी आपको पहले सॉल्व किया हमने कि 83 इक्वल टू 10^ log to the base x 83, ठीक है, तो ये आगे का सॉल्व करने के बाद मॉर्निंग में आपने लिखा होगा, देखो यहाँ पे ये फिर से वही फार्मूला यहाँ पे लगाया था, कौन सा, log to the base a^n b मतलब 1/n log to the base a b, ठीक है, और m वाला भी लिया था, ये फार्मूला सॉल्व कर मॉर्निंग में हमने सॉल्व किया था, उसका आंसर 10 है, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी आ गया फिर से वही लीस्ट वैल्यू वाला, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ, ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ, एग्जांपल लिख लो, 0 पॉइंट वाला भी, पॉइंट वाला है तो पॉइंट में यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि पॉइंट क्या होता है, कैसे लिखते हैं उसको, ठीक है, यहाँ पे देखो 2 log to the base 10x, 2 log to the base 10x माइनस log to the base x 0.01, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है, यहाँ पे भी हमें वो जब हमने फार्मूला यूज किया है ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ये ही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले, इसके पहले थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा 2 log to the base 10x माइनस log to the base x, अभी 0.01, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/100 लिख सकता हूँ क्या, 0.01 मतलब 1/100 होगा, 1/100 मतलब 10^2 होगा, अगर वो 10^2 मुझे न्यूमेरेटर लेना है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 10^-2, मतलब यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ 10^-2, ठीक है, अगेन यहाँ पे फार्मूला को साइज करूंगा लॉग एम रेस्ट टू द पावर एन वाला, एन नीचे ले लो, लॉग टू द बेस मतलब जो भी होगा वो यहाँ पे एन होगा, ठीक है, मतलब -2 अगर सामने ले लिया मैंने तो यहाँ पे क्या होगा, 2 log to the base 10x माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस 2, मतलब 2 नीचे आ गए, ऊपर का माइनस और ये पहले माइनस था, 2 log to the base, ठीक है, 2 log to the base x 10, ठीक इक्वल टू, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया, मतलब ये क्या होगा, log to the base 10x प्लस log to the base x 10, ठीक है, log to the base x 10, ठीक। अभी क्या करना है हमें, अभी यहाँ पे फार्मूला लगाना है, फार्मूला कौन सा लगाना है, ए एम जी एम वाला, अभी लिखा था मैंने, यहाँ पे 2 क्वांटिटी होना है अरिथमेटिक मीन के लिए, एक क्वांटिटी ए और बी जैसे हमने लिया था पिछले एग्जांपल में, वैसे यहाँ पे ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम मुझे लेना है, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ए मतलब है हमारे पास log to the base 10x एंड बी मतलब है log to the base x 10, ठीक है, log to the base x 10, तो यहाँ पे मैं ए प्लस बी जो फॉर्मूला लिखा था हमने, ए प्लस बी डिवाइड बाय टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम था, रूट में था ए बी, तो ए की वैल्यू हो गई हमारे पास log to the base 10x और बी की वैल्यू हो गई log to the base x 10, यहाँ पे मैं लिखूंगा log to the base 10x प्लस log to the base x 10 डिवाइड बाय टू, मतलब ए प्लस बी डिवाइड बाय टू इक्वल इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, रूट में वही आएगा, मतलब क्या आएगा, log to the base 10x इंटू, अभी प्रोडक्ट में मतलब log to the base x 10, ठीक है, अभी रूट के हम लिख सकते हैं, रूट को क्या लिख सकते हैं, रेस्ट टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम, log to the base 10x प्लस log to the base x 10 अपॉन 2 है इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं इसको चेंज ऑफ बेस लॉग अगर यूज करूंगा तो यहाँ पे log x अपॉन log 10 इंटू
लॉग 10 अपॉन लॉग एक्स, और रूट जो था उसको मैंने रेस्ट टू द पावर 1/2 कर दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, लॉग एक्स कैंसिल, लॉग 10 भी कैंसिल, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रह गया, 1 रेस्ट टू द पावर 1/2, मतलब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, यहाँ पे रहेगा 2, और लॉग टू द बेस 10x प्लस लॉग टू द बेस x10, ये डिवाइड बाय 2 था, ठीक है। लॉग टू द बेस 10x प्लस लॉग टू द बेस x10 डिवाइड बाय 2, तो इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा। अभी देखो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें पुट करना है यहाँ पे, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, कि ये लॉग टू द बेस 2 था, ठीक है। अभी लीस्ट वैल्यू क्या आएगी उसकी, ठीक है, मतलब जो हमारे पास सामने मैंने दिया था यहाँ पे, हमने जो लिखा था क्या कॉमन निकाला था यार, ये देखो आपको ब्रैकेट में इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है, मतलब सॉरी ये 2 कॉमन नीचे का निकाला था ना, ये देखो मैं कट करता हूँ, ये नीचे का जो कॉमन लिया था हमने, ये 2 निकालने के बाद इसकी वैल्यू आ गया हमारे पास 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ऑलरेडी सामने 2 था, 2 × 2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, मतलब वो जो लीस्ट वैल्यू थी हमारी वो हो गई 4 यार। देखो ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन सी। ये फार्मूला हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये फार्मूला आपको हमेशा यूज करेगा, लीस्ट मैंने 0.01 को 10^-2 कैसे लिया, ये भी हमें थोड़ा उसको लर्न करना है, ठीक है। आई थिंक रुचि सर, रुचि यस सर सर, टाइम खत्म होने आ गया, कंटिन्यू करो, कितना यस टाइम लगे, नहीं, दूसरी लिंक सेंड करता हूँ। दूसरी लिंक तो आप ज्वाइंट हो जाए, आप कंटिन्यू करेंगे थोड़ा उसका और।